नमस्कार दोस्तों, इंडियन टैलेंट अकेडमी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम सबके घर में एक एमसीबी स्विच लगा होता है। ये देखिए, ये फाइन कंपनी का था, एमसीबी स्विच है। ये एक ऐसा स्विच होता है जो मेन स्विच होता है, जो कि सभी सभी घर में लगता है, सभी के मेन स्विच में लगता है, सभी सारी लाइटों को बंद करने के लगता है। तो हमारा ये स्विच है, ये देखिए एमसीबी स्विच है, ये नोबल कंपनी का। और तो 3 एम्पीयर का ये स्विच है, जो बिल्कुल ही शॉर्ट हो गया, सड़ चुका है। तो आज हम इसको खोल के चेक करेंगे कि ये क्यों सड़ा है, क्या चक्कर था कि ये सड़ चुका है। तो आज इसको हम खोलने वाले हैं। तो देखिए, आज ये वैसे भी अखबार ये किस काम का है नहीं, तो इसको चाहे तोड़ भी दें, यहाँ से वैसे खुल जाता है, जो नया होता है तो आराम से खुल जाता है। ये तो ये जलने की वजह से अंदर से चिपक चुका है, तो ये खुल नहीं रहा। तो देखिए दोस्तों, ये बिल्कुल ही सस्ती कंपनी के स्विच जो होते हैं, हमें बिल्कुल नहीं लगवाने चाहिए। ये देखिए, इसके अंदर एक ये इधर कंघी सी दे रखी होती है, जो कि इस हीट को कम करके, जो इसमें वाइब्रेशन सा होता है, हीट को कम करके यहाँ से हवा पास होती है, वो इसमें बिल्कुल भी नहीं लगी हुई। ये देसी कंपनी का ये स्विच है। अगर हम ओरिजिनल कंपनी का लेंगे, उसमें सब कुछ रहता है, तो इसको हीट को रोकने के लिए सारे सिस्टम बनाए होते हैं। तो इसमें हीट को ना रोकने के लिए सिस्टम है, जो सारा प्रॉपर नहीं था। ये देखो, यहाँ से स्पार्किंग हुई है, ये देख सकते हैं आप, ये यहाँ से स्पार्किंग हुई है। और स्पार्किंग होने के बाद यहाँ से जो करंट इधर पास होता है, इस पीच के अंदर एक पार्ट्स और लगाया जाता है, जो कंघी की तरह बना रहता है, जो कि जितनी भी शॉर्ट सर्किट होता है, जो भी अर्थ बनता है, उसको आपस में बांट देता है, उसको कई भागों में विभाजित कर देता है, जिससे क्या होता है कि उससे जो करंट पैदा होता है, ऊपर से हल्का सा इसकी जो अर्थिंग है बाहर निकल जाती है, वो इसमें बिल्कुल नहीं लगा के रखा हुआ। तो हमें जब भी कोई लेने जाएँ, तो एमसीबी स्विच लेने जाएँ, तो अच्छी कंपनी का लें, देसी कंपनी का बिल्कुल भी परचेज ना करें, ये रिस्क हो सकता है। ये देखिए, इसके शॉर्ट होने का मेन कारण पता चल गया है कि इसके अंदर ये एक यहाँ पे पार्ट्स है ही नहीं, रखा ही, लगाया ही नहीं है कंपनी ने। और इसके बाद एक यहाँ पर ये देखिए, ये जो चौक सी होती है, ये भी बहुत ही हल्की लगाई हुई है, ये भी शॉर्ट को थोड़ा सा कम करने के लिए रोकती है। तो बस, बाकी तो और मशीनरी इनकी सही है, लेकिन एक मेन पार्ट जो है इनका, इन्होंने नहीं लगाया हुआ। तो इसके दूसरी साइड भी एक स्विच है, इसको भी खोल के देखते हैं, इसमें लगाया या नहीं लगाया। यहाँ से खोल के देख लेते हैं इसको। इसलिए जब भी आप अपने घर में लगवाएं, तो अच्छी कंपनी का लगवाएं, देसी कंपनी का बिल्कुल भी ना लगवाएं। कुछ थोड़ा बहुत फ़र्क होता है, ज़्यादा फ़र्क नहीं होता पैसों का। खोल के देख लेते हैं इसमें इससे भी। नहीं, यहाँ पर बस इन्होंने सिर्फ सूची का ही दे रखा है, मेन जो पार्ट्स है इसका जलने वाला यहाँ पे था, जो नहीं दे रखा। तो ये देखिए, ये देसी कंपनी का है, नोबल कंपनी का हमने लगवाया था, ये नहीं लगवाना चाहिए। तो अच्छे बढ़िया कंपनी है, फाइन कंपनी, और भी कई अच्छी कंपनी है, तो जिसका हमें लगवाना चाहिए। तो आप, मैं आपको खोल के दिखा दिया है कि इसके अंदर क्या होता है, क्यों ये शॉर्ट हुआ है। ये शॉर्ट होने का वजह का कारण ये है कि जो
देसी कंपनियां होते हैं इसके अंदर पूरा सामान अच्छी तरह नहीं लगाती, इसीलिए उनके रेट कम होते हैं। इसीलिए हमें अच्छी कंपनी का प्रोडक्ट अपने घर में लगाना चाहिए ताकि स्पार्क होने से बचे और हमारी बिजली की है जो खपत भी कम हो। तो ऐसे प्रोडक्ट घर में नहीं लगाने चाहिए। तो ऐसे और वीडियोस के लिए और टिप्स के लिए और आइडियाज़ के लिए आप हमारे चैनल के बने रहिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू वेरी मच।